भिलाई में प्रदेश का पहला ऑक्सी रीडिंग जोन तैयार होने जा रहा है। छात्र छात्राओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये एक सुखद समाचार है। भिलाई में प्रदेश के पहले ऑक्सी रीडिंग जोन में और भी बहुत कुछ खास बनाया जा रहा है, जिसमें चिल्ड्रन रीडिंग जोन, इनफॉर्मल रीडिंग एरिया, स्टाफ रूम, बुक ड्रॉप एवं सिक्योरिटी एरिया, कॉन्फ्रेंस एवं मीटिंग रूम, ई लाइब्रेरी, न्यूज़पेपर व मैगजीन स्टैंड आदि की सुविधा भी इसमें मौजूद होगी। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने इसकी अधोसंरचना और प्रदाय होने वाली सुविधाओं को लेकर निगम तथा बीएसपी के अधिकारियों के साथ स्पॉट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भिलाई में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र से भिलाई पहुँचते हैं। पढ़ाई के लिए अच्छे कंटेंट की आवश्यकता होती है। भिलाई एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। ऐसे में पब्लिक लाइब्रेरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मददगार साबित होगी। पूरे उद्यान का निरीक्षण कर उन्होंने कहा कि प्रतिदिन यहां काफी संख्या में लोग अपने परिवार के सहित पहुंचते हैं, इसलिए साफ सफाई और नियमित रूप से गार्डन मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान रखें। देखिए, शहीद गार्डन जो सेक्टर 5 में बना हुआ है, निर्माण जिसका हुआ है, जहाँ पे चारों ओर हरियाली नज़र आती है, वहाँ पर एक स्थल पर जो है वो ऑक्सी रीडिंग जोन जो है वो बनाया जाएगा। ऑक्सी रीडिंग जोन यानी कि जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो रहेगा। ये प्रदेश का ऐसा पहला ऑक्सी रीडिंग जोन होगा कि जो बड़े अच्छे ग्रीन वातावरण में, जहाँ वातावरण एसी के साथ में वातानुकूलित माहौल में बच्चे लोग पढ़ेंगे। इसमें युवा भी आ सकते हैं, बुजुर्ग लोगों के लिए भी जो मैगजीन है और इसके अलावा न्यूज़पेपर की रीडिंग है, ये सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। बल्कि प्रथम तल और भूतल इस टाइप की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल रहेगा और तमाम सुविधाओं को देखते हुए जो बच्चे जो पढ़ने आते हैं, कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम करते हैं, इसके अलावा जो बाहर से बच्चे आते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ भर से भिलाई में एजुकेशन हब के नाम से जब जाना जाता है, इसमें बच्चे लोग पढ़ते हैं, सभी जो ऐसे बच्चे हैं वो वहाँ पर जाके अपना स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पर ई लाइब्रेरी की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा जो है वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, ऐसी सारी तमाम व्यवस्थाएँ जो है वो वहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ये लगभग 2.5 करोड़ की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी उस पर अमल किया जा रहा है। माननीय विधायक महोदय और महापौर जी के प्रयासों से यह काम जो है वो शीघ्र प्रारंभ होने वाला है और जल्द ही छात्र छात्राओं को, विद्यार्थियों को और भिलाई वासियों को इसका लाभ मिलेगा। भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर 5 में विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल की पहल पर 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाला परिसर प्रदेश में बने अन्य लाइब्रेरी से हटकर होगा। गार्डन के हरे भरे वातावरण के बीच पूर्णतः वातानुकूलित माहौल में पढ़ाई करने का माहौल रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।